जय श्री गणेश। आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा गौ सेवा का पूरा वीडियो था, जिसे आपने देखा, और गौ माता को स्नान कराने के बाद नैवेद्य उनको अर्पित करता हूँ, और उनको नैवेद्य अर्पित करने के बाद साथ साथ चावल और कुछ और दाने अपने साथ लेकर चलता हूँ, जिसे छत के ऊपर ले जाकर नियमित रूप से पक्षियों के लिए डाल देता हूँ। और दाना ही नहीं, देखिए जो पॉलीथीन बैग में काले रंग का दिखाई पड़ रहा है वह गुड़ है, गुड़ भी गौ माता को खिलाता हूँ, और बचा हुआ कुछ गुड़ चींटियों के लिए डाल देता हूँ। आप यह विचार कर लीजिए कि गौ ग्रास या गौ को नैवेद्य खिलाने पर गौ माता की प्रसन्नता से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, और पक्षियों को दाना खिलाने पर व्यवसाय में यदि कुछ उतार चढ़ाव रहता है तो व्यवसाय में निरंतर वृद्धि होती है। और चींटियों को मीठा या गुड़ डालने पर कर्ज की मात्रा धीरे धीरे घटती है। यह सब ऐसे साधारण उपाय हैं जिनसे आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि गौ माता को चारा नैवेद्य प्रतिदिन जरूर खिलाएं, और पहली रोटी गाय को खिलाने के बाद ओज और तेज गौ माता हमें प्रदान करती हैं। इतना प्रदान करती हैं कि उसका जिक्र हम चाहकर भी नहीं कर सकेंगे, उसका वर्णन करना हमारे लिए मुश्किल है। और गौ माता को नैवेद्य अर्पित करने के बाद पक्षियों को दाना, चींटी को मीठा, यह देने के बाद फिर आप देख रहे हैं मैं दातुन कर रहा हूँ, जो कि आज लुप्त होती गई है। हमारे कुछ नए बालक या नई जनरेशन के लोग यह जानते नहीं हैं कि दातुन भी किया जाता है, जबकि दातुन करना मंजन या टूथपेस्ट की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप नई परंपराओं को छोड़िए या मत छोड़िए, किंतु अपनी पुरानी परंपराओं को सजो कर रखिए, उन्हें देखिए और उनका आनंद उठाइए। आप देख रहे हैं यह बिल्व का वृक्ष है, बिल्व के वृक्ष का दर्शन भी सुबह हो जाता है और उस पर अनावश्यक